नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र तिवारी अनअकैडमी स्टूडियो फ्लैट से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पीएससी मध्य प्रदेश पीएससी एमपीपीएससी 2019, जैसा कि आपको पता है कि 12 जनवरी को आ रही है, और 12 जनवरी को होने वाली इस परीक्षा में करंट एक महत्वपूर्ण विषय है। हम और हमारी टीम लगी हुई है कि आपको सारे विषयों की तैयारी कराई जाए और फिर हम आपको मेंस में पहुंचा दें। हम आपको मेंस में बहुत अच्छा मार्गदर्शन देने की अभी से तैयारी प्लानिंग में है। तो अनअकैडमी स्टूडियो लेट्स क्रैक इट अभियान के तहत हम आपको बहुत शानदार तरीके से करंट के कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। अब चूंकि परीक्षाओं का समय पास आ रहा है, मैं जनवरी से तैयारी करा रहा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब मैंने 15-15 दिन का सेशन तैयार किया है। तो अब इस 15 दिन में आप इस वीडियो में आज हमारा मैं आपको जो कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश संस्थान की अक्टूबर 2019 कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मंडे टू संडे मैं आपको विविध इंडियन आर्ट्स, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, ये सब बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स भी ले रहा हूँ। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशंस ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, सेलेक्ट योर गोल्स करें, एमपीपीएससी व्यापम करें। काफ़ी फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स है और लैंग्वेज ऑफ योर चॉइसेस है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्यूज हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, डिटेल्ड टेस्ट सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी। आप अपने एजुकेटर्स के साथ आप बात कर सकते हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है। हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस को करने के पहले आप यहाँ पे यह बात भी सीख लें कि यहाँ पे हजारों वीडियोस डले हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, और आप केवल इस ज्ञान रूपी खजाने की चाबी सब्सक्रिप्शन से खोल सकते हैं। एक वर्ष यानी 12 माह 7000 रुपये में मिलता है, और उस पर भी सामने इंटर रेफरल कोड है। अगर उस पर एक मिनट में पेन लेता हूँ, अगर उस पर ST लाइव लिख देते हैं इस रेंटर इस स्टाइल से, और आप अगर अप्लाई का बटन दबा देंगे तो आपको सीधा 10% का रिबेट मिल जाएगा। जहाँ आपको 7000 रुपये देना है सिर्फ 6300 रुपये लगेंगे, और अगर आप साल भर का कराना चाहते हैं तो 11000 रुपये की जगह 10000 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों, फिर ये मौका मत छोड़िए। हम अब आगे बात करते हैं 1 से 15 अक्टूबर तक की। आराम से एक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापिस सकुशल लौटे हैं। पहली बार स्पेस के क्षेत्र में एक नया नाम आप देख रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात, और हजाल मंसूरी मुस्लिम देशों में भी साइंस तरक्की पर है। तो हजा उल अल मंसूरी वह व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस से सकुशल वापस लौटी है। अच्छा क्वेश्चन था। चंद्रयान 2 जो कि हमने जुलाई में भेजा था, उस ऑर्बिटर के पेलोड का ये नाम है जिसने हाल में ही चंद्रमा पर चार्ज पार्टिकल्स की खोज की है। क्लास दक्षिण अमेरिका का वह दक्षिणी अमेरिकी देश, ये बहुत जीएस का बड़ा काम का क्वेश्चन है, वह दक्षिण अमेरिकी देश जिसने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है। ऑयल एंड पेट्रोलियम देश हैं। तो इक्वाडोर वह देश हो गया है जिसने कह दिया है अब हम ओपेक के नियमों को नहीं मानेंगे, हम अब ओपेक के मेंबरशिप हमें नहीं चाहिए। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट मुंबई में शुरू हुआ है, और RBI ने 1920 में
जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.1% पे ला गया। अर्थव्यवस्था निरंतर नीचे जा रही है, अर्थशास्त्री समझ रहे हैं हमारे 7.5 की चीज़ें जब 4.7 पे निकली है तो अब हमारे अनुमानों में लगातार हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो मेरा ये पेज आप देख रहे हैं, हजाल अल मंसूरी संयुक्त अरब अमीरात के हैं, क्लास चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पैलोट का नाम है। एक्वाटोर ने ओपेक को बाय बाय कह दिया है। भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट मुंबई में बना है और आरबीआई कह रहा है कि हम 1920 में जनवरी से मार्च तक का जो अनुमान उसने लगाया है वो 6.1% लगाया है। तो ये आपको मैंने दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ नरेंद्र मोदी ने एक संयुक्त रूप से एक मेट्रो एक्सप्रेस और ENT अस्पताल का उद्घाटन मॉरिशस में किया है। RBI ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगातार ब्याज दरों में 5वीं बार कटौती करते हुए रेपो रेट को भी 25 बेसिक पॉइंट से घटाकर 5.15 कर रहा है। सारे हाथ पैर मार रहा है कि किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था को गति मिले। तो अब जो रेपो रेट में फिर कुछ घटाया है, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट घटाया है। RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव PMC बैंक के खातों की निकासी सीमा अब 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। तो कोऑपरेटिव बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र के जो कोऑपरेटिव बैंक हैं अब वो 10,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय में, जी हाँ वेल्स इंग्लैंड के पास में है, उसके साथ है, उच्च न्यायालय ने विभाजन के बाद हैदराबाद के तत्कालीन निजाम के धन को लेकर जिस देश तो जो कुछ पैसा वहां था तो उसमें जो फैसला दिया है तो जिस देश और निजाम के मतलब तो उसने निजाम के पक्ष में फैसला सुनाया है तो देश भारत इस केस को जीता है, निजाम उस केस को जीते हैं और वहाँ रखा पैसा उस पर भारत का हक बताया गया है। बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। वह राज्य, देखिए हिमाचल प्रदेश की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, उसने अपने राज्य को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकिल ना होने वाले प्लास्टिक को उसने कहा हमें वापस कर दो। तो सरकार ने कहा कि ना रिसाइकिल होने वाले प्लास्टिक हम खरीद लेंगे और अब ये मार्केट में चीजों को आना नहीं चाहिए। IMF के कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला को चुना गया है। गुजरात में महात्मा गांधी की इस बार 150वीं जयंती है तो 150 रुपये का एक स्मारक सिक्का निकाला गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने सिक्के का उद्घाटन किया है। और प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने देश के सभी स्मारकों के 100 मीटर के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक को वीन कर दिया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को वीन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ने रिसाइकिल ना होने वाला प्लास्टिक खरीदा है। सुरजीत भल्ला IMF के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। 150 रुपये का सिक्का महात्मा गांधी की स्मृति में जारी हुआ है। प्रहलाद पटेल ने कहा है कि नहीं साहब, 100 मीटर के अंदर किसी भी पर्यटन स्मारक के अंदर आप सिंगल यूज
प्लास्टिक नहीं ले जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एमएस मल्लिकार्जुन राव को पंजाब नेशनल बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया है। तमिलनाडु में ऐसा एक पुरातत्व विभाग को 2600 साल पुरानी दीवाले खुदाई में मिली है। चूंकि यहाँ संगम काल लिखा है, ये संगम काल गलत लिखा है, तो आप सीधा सा लिखें 2600 साल पुरानी दीवारें मिली हैं। अमित शाह ने वैष्णो देवी तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, दिल्ली से अब वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी वैष्णो देवी के लिए। महात्मा गांधी की जयंती पर फ्रांस में एक डाक टिकट जारी हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पीएससी में आ सकता है कि डाक टिकट को जारी करने वाले देश का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में एक विलुप्त नदी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में खोजी गई है और गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान ने तंबाकू और पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया है। रेल मंत्रालय द्वारा जयपुर रेलवे स्टेशन को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया है। नीति आयोग ने बहुत शानदार चीज की है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स निकाला है और उसमें टॉप स्कूल है जहां के बताए हैं वो केरल है और सबसे खराब स्कूल उत्तर प्रदेश के बताए हैं। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है वह 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर को कॉफी दिवस है। तो आप देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था विलुप्त नदी कहाँ, इलाहाबाद में खोजी गई है। गांधी जयंती पर वो राज्य जिसने तंबाकू और पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया राजस्थान था। सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन जयपुर का था। नीति आयोग ने सबसे टॉप स्कूल कहाँ के बताए, केरल के बताए। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। देखिए डीआरडीओ ने फिर सफल प्रयोग किया ब्रह्मोस का और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस भी मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। वह महिला खिलाड़ी जिसने विश्व चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में अपना 4th गोल्ड मेडल जीता है वे हैं फ्रेजर प्राइस। स्पेन और पेरू की सरकारों ने स्वच्छ वायु गठबंधन कार्यक्रम शुरू किया है WHO की मदद से। स्वच्छ वायु गठबंधन शुरुआत की है और भारत सहित 20 देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौता किया है। तो 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, अनुवाद दिवस एक दिन पहले, 30 सितंबर 100 मीटर की दौड़ में 4th बार गोल्ड मेडल, फ्रेजर प्राइस, स्पेन ने और पेरू ने स्वच्छ वायु गठबंधन और भारत सहित 20 देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज पर प्रतिबंध लगाया है। अंडर 18 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन जस्टिस राजेंद्र मीनन को बनाया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 9.76 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करके स्वर्ण पदक हासिल करने वाला क्रिस्टियन कोलमैन है। जी हाँ, क्रिस्टियन कोलमैन जिसने 100 मीटर की रेस पूरी की है। फिल्म शोले आई थी, शोले में एक रोल था कालिया का।
हमने आपका नमक खाया है सरदार। और वो नमक एक छोटा सा डायलॉग था, पर बीजू खोटे पूरी दुनिया जब तक जिंदा रहे वो कालिया के नाम से ही लोग उन्हें जानते रहे। उनका निधन हो गया और एक छोटा ग्रह मिला है, और उस ग्रह को यहां में से ग्रह नहीं था ये, उसको क्या बोलेंगे हम, एस्ट्रॉइड था, तो उसका नाम पंडित जसराज के भारतीय संगीतकार हैं उसके नाम पर रखा गया था। दीपक पूनिया भारतीय पहलवान है जिन्होंने 86 किलोग्राम में विश्व के नंबर वन के पहलवान बन गए दीपक पूनिया। पुलिस ने, केरल की पुलिस ने इंटरनेट की डार्क नेट जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सॉफ्टवेयरों को सक्षम करने के लिए एक अत्याधुनिक लैब बनाई है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक सिराक जाने माने इंटरनेशनल पॉलिटिशियन माने जाते थे, सिराक साहब का निधन हो गया। और गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए ग्यारह राज्यों ने एक साथ 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। हरमनप्रीत कौर भारत की पहली ऐसी महिला क्रिकेटर बनी है, पुरुष क्रिकेटर भी, पुरुषों महिलाओं में सबसे पहले 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले इन्होंने। जी हाँ, हरमनप्रीत कौर रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी से पहले, उन दोनों ने 98 खेले, पर हरमनप्रीत के 100 पहले हो गए हैं। भारत सरकार द्वारा एक प्रकाश पोर्टल बनाया गया है जो कि कोयला पर निगरानी करेगा, खानों से कोयला पर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अविनाश शाबले अगले ओलंपिक में आपको पुरुषों की 3000 मीटर में स्टीपल चेज स्पर्धा में भाग लेते दिखेंगे, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और रविंद्र जडेजा सबसे पहले 200 विकेट लेने वाले, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से रविंद्र जडेजा ने 200 विकेट लिए हैं। विश्व का सबसे जहरीला कवक ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है। उड़ीसा के नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में 5 हाथी मर गए हैं, और वहां पर एलिफेंट का एंडोथिलियोट्रोपिक हर्पीस, ये वायरस आया, हर्पीस वायरस, उसका पूरा नाम है एलिफेंट एंडोथिलियोट्रोपिक, 5 हाथियों की मृत्यु का कारण बनिया। भारत राता रानी, ये राता रानी टाइगर रिजर्व रायसेन जिले में है मध्य प्रदेश के, और ये अंतिम रूप से मध्य प्रदेश सरकार ये इसको बनाने जा रही है टाइगर रिजर्व। भारत और मंगोलिया में एक हिमाचल प्रदेश में एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अभी तक महिलाओं का फुटबॉल में देखना मना था, ईरान में 3000 महिलाओं ने एक साथ फुटबॉल में देखा, ये पहली बार वहां पर 40 साल में की घटना घटी है। मध्य प्रदेश के बड़ा अच्छा क्वेश्चन है शहरीय जनजाति पे लेकर, वो खननकर्ताओं को
उन्होंने मांग की है कि तपेदिक की बजाय उनको एक बीमारी है सिल्कोसिस। सिल्कोसिस से तात्पर्य ये खदानों में काम करने से वो उनकी नाक के अंदर उनके फेफड़ों पर कण, खानों के कण पहुंच जाते हैं, जिसे उनसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी तक उनका जो इलाज किया था वो टीबी का किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा सिल्कोसिस का इलाज किया जाना चाहिए और इलाहाबाद बैंक ने अपनी सीमांत लागत आधारित ऋण दर में 0.05% की कमी की है। दुती चंद ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक ही नहीं जीता है, वरन अपने ही रिकॉर्ड्स को फिर से तोड़ भी दिया है। भारत की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट कामनी राय थी और गूगल ने हाल में ही उन पर एक डूडल समर्पित किया था। नासा ने हाल में ही जिस नाम से आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम था आई कौन, एक कौमनी राय का नाम याद रखिए, पहली महिला ग्रेजुएट। गौतम अडानी, भारतीय अरबपतियों में ये दूसरा नाम आ गया है, पहला नाम आप मुकेश अंबानी का जानते हैं। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक एलेक्सी लियोनोव ने किया, पर वो एलेक्सी लियोनोव अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका हाल में ही निधन हो गया। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड मिल्खा सिंह को सम्मानित किया गया है, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो देखिए, एलेक्सी लियोनोव का निधन हुआ, मिल्खा सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट, गौतम अडानी सेकेंड नंबर के अरबपति बने, आइकॉन आयन मंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट और कौमनी राय के नाम पर गूगल ने डूडल बनाया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में एक स्मारक सिक्का ब्रिटेन ने जारी किया है। आज देखिए, समय समय की बात है, यही ब्रिटेन गांधी जी का विरोध करता रहा था। SBI ने अपनी सीमांत लागत आधारित ब्याज दर MCLR को 0.10% को कम करने का फैसला किया है। भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 50वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा और नोबेल शांति पुरस्कार इथियोपिया के राष्ट्रपति को देने की घोषणा की गई है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2018 का ओल्गा तोकाजुर्क को मिला है। विराट कोहली 40 टेस्ट मारकर इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले भारतीय और दूसरे क्रिकेटर्स बन गए हैं जिनके शतक 40 हो गए हैं। सऊदी अरब ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दे दी है और भारत ने उत्तर पूर्व सीरिया में एक तरफा सैन्य कार्रवाई को लेकर तुर्की की आलोचना कर दी है। तो हमने सीरिया का समर्थन किया है और तुर्की की आलोचना कर दी है। भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने एक स्मारक टिकट जारी किया है अर्जुन सिंह के नाम पर,
वायुसेना के सम्मान में और कैबिनेट बैठक में पीओके से देश के दूसरे हिस्से और बाद में जम्मू कश्मीर आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार को 5.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पीओके में, पीओके से पहले देश के दूसरे हिस्से और बाद में जम्मू कश्मीर आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार को 5.5 लाख की राशि दी जाएगी। भारत यूएन के उन राष्ट्रों, यूएनओ के उन राष्ट्रों में है जिसने अपने नियमित बजट का समय पर भुगतान किया है। ऐसे 34 देश हैं दुनिया के, भारत उनमें से एक है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैंक के विलय प्रस्ताव को लक्ष्मी विलास बैंक के साथ विलय को मंजूरी नहीं मिली है और रिलायंस जियो के अनुसार इंटरकनेक्शन यूजेज चार्ज को लेकर कंपनी दूसरे नेटवर्क पर वॉयस कॉल करने के लिए जितने पैसे वसूलेगी अब वह 6 पैसे पर मिनट है। तो रिलायंस जियो अब 6 पैसे पर मिनट लेगी। अगर आपने किसी दूसरे नेटवर्क पर वॉइस कॉल किया, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए जमा कराए हैं बिहार सरकार के अमिताभ बच्चन साहब ने और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो आपने देखा, प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि पीएम सीएम किसान सम्मान निधि के तहत आधार कार्ड को जोड़ने का काम 30 नवंबर 2019 तक कर दिया, डेट को बढ़ा दिया गया था क्योंकि बहुत से किसानों के आधार कार्ड लिंक नहीं हुए थे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आशा कर्मियों का मानदेय अब 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया है, पर तमिलनाडु सरकार ने इसे 10,000 रुपए कर दिया है। घरेलू व्यवसायिक इकाइयों के कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए पहला ई कचरा क्लिनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला जा रहा है। ये क्वेश्चन पीएससी प्री में बन सकता है, ई कचरा क्लिनिक पहले कहां खोला जा रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 परियोजनाओं की शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में सेब सम्मेलन में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण का ट्रांस फैट फ्री लोगो जारी किया है। तो वो अब सामानों में ट्रांस फैट फ्री लोगो लग के आएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने कर्नाटक की बेल्लारी जिले के दोनी मलाई खान में एनएमडीसी ने अपने अंडर में ले ली है डोनी मलाई खान बेल्लारी जिले की और अब वह खनन कार्य करेगी। भारत और मंगोलिया के बीच में नोमाडिक एलिफेंट ये जो सैन्य अभ्यास है हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस, पर्यावरण नहीं है ये पर्यावास दिवस मनाया जाता है। और एक इंडेक्स और आया वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत अब पहले 58 स्थान से बढ़ के 68 स्थान पे आ गया। हम 10 स्थान और नीचे गिर गए।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर के अनुसार जिस ग्रह ने बृहस्पति को पछाड़कर सौरमंडल का सर्वाधिक चांद वाला ग्रह अब शनि बन गया है, तो अब बृहस्पति के सबसे ज्यादा चांद वाले ग्रह नहीं रह गए, शनि के हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए एक नया कार्यक्रम बनाया है, फरिश्ते दिल्ली के ये तुरंत पहुंचकर सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं। वह देश जिनने हाल में ही चीन के शिनजियांग में मुसलमान और अल्पसंख्यकों को लेकर मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, तो 28 संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड अमेरिका ने कर दिया है मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और अल्पसंख्यकों के साथ, तो चीन की अमेरिका ने कर दिया है। महात्मा गांधी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को एक स्वचालित रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड लॉन्च किया है। रियल टाइम परफॉर्मेंस स्मार्ट बोर्ड और अटल नवाचार मिशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और नीति आयोग ने भारत में एक युवाओं को सामाजिक उद्यमिता और नवाचार के लिए यूथ को डॉट लैब लॉन्च किया है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य 7 समझौते किए गए हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर रोक लगाई है, प्रतिबंध लगा दिया है, और रविचंद्रन अश्विन ने 350 विकेट लेकर सबसे तेज विकेट लेने की मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो मुथैया मुरलीधरन पीछे हो गए, मतलब बराबर पे हो गए हैं। अश्विन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि 2021 तक आइजोल को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से हम जोड़ लेंगे। तो पूर्वोत्तर प्रांत में काफी विकास की गतिविधियां चलाई जा रही हैं और अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास हिम विजय भारतीय सेना ने कहा किया है। हिम विजय एक रोहित शर्मा बंबई वाले शर्मा जी के बच्चे हैं और एक टेस्ट की दोनों पारियों में स्टंप आउट, खुद स्टंप आउट हो गए। तो इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं जो दोनों पारियों में स्टंप आउट हो गए हैं। ये रिकॉर्ड उनने बनाया तो नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक बन गया होगा। वह संस्था जिसने म्यूचुअल फंड हाउसों को मुद्रा बाजार और ऋण प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए एक वॉटरफॉल अप्रोच अपनाने को कहा है, वो है सेबी। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये 15 दिन का करंट है, आप इसको 2 बार सुन लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा पूरा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन करा रहे हैं तो कहीं आपके पूरे पैसे ना लग जाएं, तो सब्सक्रिप्शन जल्दी में मत करिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर ST लाइव लिख दिया करें। ST लाइव लिखने से 10% आपको रिबेट मिल जाएगा, और रिबेट मिल जाने से
आपको जो 7,000 रुपये लगना है वो सिर्फ 6,300 रुपये लगेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार करता हूँ मैं आपको, और मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और एक घंटी बजा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।